जो ऑडियो आप अभी सुन रहे हो वो डायरेक्ट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, डायरेक्ट कैमरा के माइक से रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मतलब एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन हमने कैमरा में अटैच किया है वो उससे रिकॉर्ड हो रहा है। एंड नाउ अब जो ऑडियो आप सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है हमारे इस माइक से, और ये माइक मेरे कज़िन के पास पड़ा था तो मैं उठा लाया क्योंकि वो इसका यूज़ नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कुछ दिन मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ और फिर उसे लौटा दूँ। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं काफ़ी टाइम से एक जगह पे स्टक हूँ, मैं एक स्टेप लेना चाहता हूँ जो मैं ले नहीं पा रहा हूँ, और वो स्टेप इतना सिंपल है कि मुझे बस वीडियोज़ बनाना चालू करना है, लाइक यूट्यूब वीडियोज़ या फिर इंस्टाग्राम पे कोई भी कंटेंट, बीट एनी काइंड ऑफ कंटेंट। आई वॉन्ट टू मेक म्यूज़िक, आई वॉन्ट टू मेक वीडियोज़, आई वॉन्ट टू मेक रील्स, आई वॉन्ट टू मेक सब कुछ, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, जर्नलिंग करने के बाद, अपने आप को देखने के बाद एक ही चीज़ समझ आई कि जो मुझे रोक रहा है वो सिर्फ मेरा दिमाग है। मैंने जॉब छोड़ दिए और मैं एक जगह जॉब कर रहा था ताकि मैं फुल टाइम यूट्यूब कर पाऊँ। उस टाइम पे हो रहा था मैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर रहा था, कुछ वीडियोज़ यहाँ की उठा रहा था, कुछ वीडियोज़ वहाँ की उठा रहा था, और एक जगह जॉब भी कर रहा था, तो मैंने अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा था। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली जीना चाहता हूँ और मैं अपने घर वालों से दूर रहता हूँ एक रूम लेके, और मैंने ये रूम भी इसलिए लिया था ताकि मैं कुछ कर पाऊँ, स्टार्ट कर पाऊँ, बट सब कुछ होने के बाद भी मैं नहीं कर पा रहा था। अभी मैं जॉब भी नहीं कर रहा हूँ और मैं सिर्फ यूट्यूब को फुल टाइम दे रहा हूँ और कंटेंट क्रिएशन को, जो चीज़ें मुझे पसंद है उनको दिल से फुल टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मैं बैलेंस क्रिएट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे अपना खाने का भी देखना है, मुझे रेंट भी पे करना है, अगर मैं जिम जाता हूँ तो मुझे उसकी फ़ीस भी देनी है। और हाँ, इस बीच में जिम भी गया था, दो दिन गया, मैंने प्रोटीन पाउडर क्रिएटिन सब कुछ मंगा भी लिया और मैं फ़ीस भी दिया है, और भाई फ़ीस देने के अगले दिन से मैं जिम ही नहीं गया। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं, तो लेट्स स्टार्ट। दिस वीडियो इज़ अबाउट अनफकिंग माई लाइफ एंड दिस इज़ एपिसोड 1 ऑफ अनफकिंग माई लाइफ। तो पहले तो मुझे लगता है हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए। आप कितनी भी वॉस सिचुएशन में हो, मुझे लगता है हमें बाहर निकलना चाहिए। मैंने भी वही किया, मैं अपने दोस्तों के साथ चिल करने के लिए गया। काम अरे मत करो फोन यार पागल। जब दिमाग में बहुत ज़्यादा ऐसे खिचड़ी पक रही थी कि यार क्या करना है, कुछ हो नहीं पा रहा, बहुत परेशान हो गया था, तो आई थॉट ऑफ गिविंग माई सेल्फ टाइम। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और हमने बाहर निकल के सारा काम का स्ट्रेस साइड रखा, सब कुछ साइड रखा, और बाहर निकल के हमने बस चिल किया, उस मोमेंट को जिया वहाँ पर रह के, और फिर वापस आया तो बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकल रहा हूँ। मैं आज जैसे निकला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हमने आउटडोर में कुकिंग की, हमने मैगी बनाई, बनानी हमें बिरयानी थी बट टाइम का थोड़ा सा इशू हो गया था तो हमने मैगी बना के मैगी खाई। और काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा था कि मैं यूट्यूब नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हर कोई तो यही कर रहा है भाई, बट मैंने सोचा सबकी ज़िंदगी अलग है, मेरी अलग है, उसकी अलग है, जो कर रहा है जो करेगा उसकी अलग होगी। ऐसे बनानी पड़ रही है मैगी बना रहे थे, ऐसा संघर्ष हो गया पीछे, तो ऐसे क्या बना रहा है यार ये? अबे भाई यार राहुल दोनों राहुल एक साथ देख रहे हैं यार। बॉबी राहुल बॉबी ओ भाई साहब। तो आज हम निकले थे एक छोटी सी हाइक पे और हमने सोचा क्यों ना जंगल में मैगी बनाए, बट हर बार एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला फेस करना पड़ता है, और हवा चल रही है बहुत तेज, जो हम गैस लेके आए थे उसमें आग जल नहीं पा रही है, और हमें मिला एक दोस्त राहुल ले देख भी रहा, देख राहुल गेने में वो तो आज का दिन ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, बढ़िया घूम फिर के आए, और अभी इस व्लॉग को जैसा है वैसे ही डाल देता हूँ आज, जितना छोटा होगा जैसा होगा देखी जाएगी। और ये है मैगी जो पता नहीं कब बनेगी, बीरबल की मैगी। आ रहा मज़ा? मज़ा आ रहा। और ये है खीरा, खीरा खा लो गाइस, मैं भी खाओगे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ गर्मियों के टाइम पे खीरा खाना चाहिए, इससे डिहाइड्रेशन नहीं होता बॉडी में।
एंड ज्ञान तो देते रहना चाहिए फ्री में. अब ठीक है, अब मुझे दिख पा रहा है हमारी गाड़ी खड़ी है, वो नीचे दिखा दो. ये खड़ी है हमारी गाड़ी, वहाँ से लोग जा रहे हैं. ये सामने है अल्मोड़ा और ये है हम. मुझे स्विमिंग करनी भी नहीं आती है, बट मैंने ट्राई किया कि मैं स्विम कर पाऊँ. और दिस इज डे वन ऑफ अनफकिंग माई लाइफ, एंड आज से मैं डेली व्लॉग्स डालूंगा और आज से मैं डेली जो भी करूंगा अपनी प्रोग्रेस के लिए वो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा. पागल कर देंगे भाई ये. मैंने सोचा मैं कुछ फल खा लेता हूँ.